भीषण गर्मी के साथ ही ग्वालियर के कई इलाकों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है। पानी की कमी से लोग परेशान हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि तिघरा डैम में भी पर्याप्त पानी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई जगह पानी की परेशानी होने लगी है। पानी की कमी से परेशान लोगों का कहना है कि वह पानी के टैंकरों पर निर्भर है, लेकिन वो भी 3-4 दिनों में एक बार आता है। पानी है नहीं, जल्दी से आते हैं, परेशानी होती है, पानी नहीं भर पाते पूरा। हम तो बहुत दूर है, दिखानी रहा उधर की बाजू से, 2-3-4 दिन में टैंकर आता है, बस वो वासा तो वासा पानी पीते। नहीं आ रहा, हमारे पास नहीं आ रहा उधर की बाजू। 20 साल से ऊपर हो गई हम तो यहाँ रहते रहते, और बाकी 40 साल से बसे है, कोई 30 साल से बसे, हम लोगों को 20 साल हो गई, और मतलब कितनी कितनी साल से बसे है, किसी को 5 साल हो गई। नल बोरिंग कराई तो उसमें तो पानी की दिक्कत है बिल्कुल भी। देखो आप देख सकते हो उनमें पानी नहीं है, टैंकर से जी रहे हम लोग। टैंकर आते हैं तो कभी झगड़ा भी हो जाता है सब लोगों का, पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी दिक्कत है यहाँ पे। जिला प्रशासन भी लोगों की परेशानी से इत्तेफाक रखता है। अधिकारियों का कहना है कि तिघरा बांध में सभी इलाकों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। तिघरा का पानी नहीं पहुंच रहा है, बल्कि बोरिंग का पानी पहुंच रहा है। अब आपको पता ही है कि कई जगह तिघरा का पानी सप्लाई करते हैं, कई जगह बोरिंग से। तो ये अभी चॉइस, अभी हम लोग इस हालत में नहीं है कि चॉइस दे सकें कि सबको तिघरा का पानी मिले, लेकिन उस पर काम चल रहा है और हो जाएगा। हमारा जो शिकायतें बढ़ रही हैं वार्ड 18 वार्ड 19 से बढ़ रही हैं, वहाँ हमने बोरिंग कराई है और कुछ हमने जगह पर हम लोग टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। पानी की स्थिति अभी कंट्रोल में है, हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। स्थानीय विधायक प्रद्युमन सिंह मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, वे भी पानी की कमी बारिश से पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं। गर्मी बढ़ी है, पानी की कमी है, परेशानी सुनिश्चित रूप से हुई है, उस परेशानी का समाधान होगा और ईश्वर की कृपा भी मिलेगी कि वर्षा जल्दी हो, जिससे तिघरा में जलाशय में पानी की वृद्धि हो। निश्चित रूप से तिघरा में पानी की कमी होने के कारण 1-2 दिन में एक टाइम पानी मिल रहा है, जो गर्मी के हिसाब से पर्याप्त नहीं। लोगों का कहना है कि पानी की कमी की समस्या नई नहीं है, ये हर साल गर्मी के मौसम में सामने आती है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस बार उनकी परेशानी का निपटारा जरूर कर देंगे।